गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो नए वीडियो या रोजाना क्लासेस होती है उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। हम जो राजनीतिक सिद्धांत बी ए फर्स्ट ईयर की हमारी पॉल साइंस की बुक है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें हम व्यवस्थापिका का प्रीवियस वीडियो में हमने व्यवस्थापिका जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के संगठन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम व्यवस्थापिका का पतन डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर, वर्तमान समय में व्यवस्थापिका का पतन हो रहा है या ह्रास हो रहा है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो लॉर्ड ब्राइस है तो व्यवस्थापिकाओं का वर्तमान दौर में संसदीय व्यवस्थापिकाओं का पतन हो रहा है, और इसकी बात सबसे पहले लॉर्ड ब्राइस ने कब कही थी, 1925 में। लॉर्ड ब्राइस है, इसने कब कही थी 1925 में, अपनी पुस्तक है उसका नाम है मॉडर्न डेमोक्रेसीज। सबसे पहले व्यवस्थापिकाओं का पतन हो रहा है या ह्रास हो रहा है, इस बात को डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर, इस बात को स्वीकार करने वाला कौन था, लॉर्ड ब्राइस था। कब, सन 1925 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी मॉडर्न डेमोक्रेसीज, इसमें इसने क्या कहा था, व्यवस्थापिकाओं का पतन के नाम से एक बुक लिखी थी, और इसमें इसने कहा था कि व्यवस्थापिकाओं का रोग या निदान पैथोलॉजी ऑफ लेजिस्लेचर है, इसके बारे में बताया था। तो लॉर्ड ब्राइस ने सन 1925 में अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में व्यवस्थापिकाओं के पतन डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर की चर्चा की थी, और ब्राइस ने अपनी इस पुस्तक में व्यवस्थापिकाओं का रोग निदान पैथोलॉजी ऑफ लेजिस्लेचर में उन कारणों की खोज का प्रयास किया जिनसे व्यवस्थापिकाएं पीड़ित होकर पतन की ओर जा रही है। इसमें अपनी पुस्तक में उसने व्यवस्थापिकाओं का जो रोग निदान है इसका प्रयास किया, और जिनसे व्यवस्थापिकाएं है वो पीड़ित होकर पतन की ओर जा रही है, इसके निदान के कारण है वो बताई है। अब एक विचारक है केसी वैयर, इन केसी वैयर ने व्यवस्थापिकाओं के बारे में कहा है कि व्यवस्थापिका ने अपनी शक्तियाँ, कार्य कुशलता व सामान को बनाए रखा हो या इनमें वृद्धि कर ली हो, ऐसा संभव है, फिर भी उनका अन्य संस्थाओं से सापेक्ष रूप में इन सभी पहलुओं में पतन हुआ है, क्योंकि अन्य संस्थाओं ने अपनी शक्तियाँ बढ़ाकर अपना दर्जा सुधार लिया है। केसी वैयर ने कहा है कि इसने अन्य संस्थाओं की तुलना में अपना क्या हुआ है, इसका व्यवस्थापिका इनका पतन हुआ है। ये बात किसने कही है, केसी वैयर ने कही है। अब देखो हम व्यवस्थापिका या विधानमंडल है इनकी अवनति या पतन के कारण क्या है, व्यवस्थापिका या विधानमंडल है या लेजिस्लेचर है इसके पतन ह्रास के कारण क्या, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पतन या अवनति के कारण में पहला कारण है कार्यपालिका के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि। कार्यपालिका है व्यवस्थापिका का पतन होने का प्रमुख कारण यह है कि कार्यपालिका के कार्यों में क्या हुई है, अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। परंपरागत कार्यों के अतिरिक्त आजकल कार्यपालिकाएं कुछ ऐसे भी कार्य करने लगी है जिससे उनकी शक्ति में वृद्धि हुई है, और आर्थिक नियोजन व योजनाओं का संचालन भी कार्यपालिका का क्या बन गया है, प्रमुख दायित्व बन गया है। और आधुनिक समय में 95% विधेयक संसदीय शासन व्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष रूप से तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, विधेयक है वो कार्यपालिका के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा है परदत्त व्यवस्थापन की प्रथा, ये काफ़ी बार पूछा गया है, परदत्त प्रबंध देना और व्यवस्थापन की प्रथा, मतलब अपनी जो शक्ति है दूसरे को देना, तो व्यवस्थापिका की जो शक्तियाँ हैं वो कार्यपालिका को देना, इसका अर्थ ये होता है। तो परदत्त व्यवस्थापन और परदत्त व्यवस्थापन में देखो इसमें यही होता है, परदत्त व्यवस्थापन के विकास के कारण कार्यपालिका द्वारा आंशिक रूप से नियम निर्माण की जो शक्ति का प्रयोग करना है, और इसमें विधानमंडल सारे कानून या कम से कम सभी महत्वपूर्ण कानून बनाने का कार्य भी नहीं करते हैं। अब व्यवहार में कार्यपालिकाएं अनेक कानून परदत्त व्यवस्थापन की प्रथा के अंतर्गत कानून बनाने लगी। अब व्यवहार में कार्यपालिकाएं ही अनेक कानून है वो परदत्त व्यवस्थापन के वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के या बहुत सारे कानून है वो कौन बनाने लगे, ये कार्यपालिकाएं। किस व्यवस्था के तहत, परदत्त व्यवस्थापन, मतलब काम तो कानून बनाने का काम किस विधानमंडल का है, पर कुछ शक्तियां किसको दे दी, कार्यपालिका को दे दी, तो उस व्यवस्था के तहत वर्तमान समय में अधिकांश जो कानून है कौन बनाती है, कार्यपालिकाएं बनाती है। तो अब व्यवहार में कार्यपालिकाएं अनेक कानून परदत्त व्यवस्थापन की प्रथा के अंतर्गत बनाने लगी है। इस प्रकार परदत्त व्यवस्थापन के कारण कानून निर्माण के कार्य का एक बड़ा भाग संभवतः व्यवस्थापिका के हाथ से निकल कर किसके हाथ में आ गया, कार्यपालिका के हाथ में आ गया। तो इसका ध्यान रखना, परदत्त व्यवस्थापन है ये काफ़ी बार पूछा गया है विभिन्न यूनिवर्सिटियों के एग्जाम में। तीसरा जो कारण है वो है रेडियो और टेलीविज़न है। रेडियो और टेलीविज़न में क्या है कि संचार के इन साधनों के विकास ने कार्यपालिका अध्यक्ष को जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। आज वर्तमान समय में संचार के जो साधन है, रेडियो है, टेलीविज़न है,
कंप्यूटर है, मोबाइल, इसकी वजह से अब आज प्रधानमंत्री को कौन नहीं जानता है, हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है, या जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति को कौन नहीं जानता है। तो ये कारण क्या, संसार के साधनों ने कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है उसकी शक्तियों को अभूतपूर्व क्या किया है, बढ़ाया है। तो इनका भी क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। अगला जो है, अब कार्यपालिका संसद की परवाह किए बिना भी बिना सीधा जनसंपर्क हुए जनता से क्या कर सकती है, आमना सामना कर सकती है, और करते ही एक नरेंद्र मोदी है, वो मन की बात रेडियो पर अपने देश के नागरिकों से करते हैं ना, तो यही है। अगला जो है वो विशेषज्ञों की परिषदों में समितियों का विकास, विशेषज्ञों की समितियों वह परिषदों का विकास, विशेषज्ञों की समितियों व परिषदों का विकास, इसमें है वो आजकल विधेयक का प्रारूप तैयार करने से लेकर समिति स्तर तक विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है, और इसके बाद संबंधित विषय विधानमंडल में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अगर विधायक उस पर प्रश्न करते हैं या उसमें संशोधन प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें यह कहकर हताश कर दिया जाता है कि इस पर विशेषज्ञों, सलाहकारों और संबंधित जो विभाग है उन्होंने बारीकों से क्या किए, जांच की। जिस प्रकार से सरकार अभी कृषि कानून लाई है, सरकार को किसान या जो भी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हो विरोध कर रहे हैं कि वापस ले लो, तो सरकार राय यही दे रही है कि विशेषज्ञों और समितियों की सिफारिश पर वो अनुभवी लोग है, वो इसके बारे में जानते हैं, वो कार्यकुशल है, इसे सरकार क्या नहीं कर रही है, उनको वापस नहीं ले रही है। अगला जो है वो पतन का कारण, सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण, जो हमारे देश की या विभिन्न जो देशों की सेनाएं हैं उन पर नियंत्रण किसका होता है, कार्यपालिका, नाम तो अपने देश में शासन तो राष्ट्रपति के नाम से होता है परंतु नियंत्रण किसका होता है, कार्यपालिका का ही होता है, क्योंकि राष्ट्रपति है वो मंत्रिमंडल की सहायता से शासन करता है। तो सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण, राज्य का मुख्य कार्यपालक है वो सर्वोच्च सेनापति होता है, देश की सैन्य शक्ति के संचालन में वह करीब करीब पूर्ण स्वतंत्र होता है और इस कार्य में व्यवस्थापिका कुछ कर नहीं सकती, अतः युद्धों या सैनिक संकटों में मुठभेड़ों में कार्यपालिका सर्वेसर्वा हो जाती है और ऐसी परिस्थितियों में तुरंत निर्णय की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने वियतनाम युद्ध के संचालन में कई बार कांग्रेस की क्या की, अवहेलना की। तो इसमें सेनाओं पर कार्यपालिका का सीधा क्या होता है, नियंत्रण होता है, वो व्यवस्थापिका के जो नियम होते हैं उसकी क्या नहीं करते हैं, व्यवस्थापिका के नियमों की परवाह नहीं करते हैं। तो सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण। अगला जो है वह है विदेशी संबंधों की प्रधानता कार्यपालिका है, इसी पर निर्भर करता है कि भाई विदेश है उनसे हमारे किस प्रकार से हमारे देश के संबंध होने चाहिए। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में विदेशों से हमारे जो संबंध है वो क्या हुए, मित्रवत, प्रागढ़, काफ़ी घनिष्ठ हुए हैं, तो ये किसके कारण होता है, तो विदेशी संबंधों की प्रधानता, ज्यों ज्यों देश विदेशी मामलों में उलझता जाता है त्यों त्यों कार्यपालिका की शक्तियाँ क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है या कार्यपालिका शक्तिशाली होती जाती है। विदेशी संबंधों के संचालन का कार्य अपनी प्रकृति से ही ऐसा है कि इसमें व्यवस्थापिकाएं यदा किदाई अपनी भूमिका निभाती है। अगला जो है वो सकारात्मक राज्य का उदय, सकारात्मक राज्य का उदय इसमें है, अब राज्य वो क्या हो गए, सकारात्मक का मतलब राज्य क्या हो गए, कल्याणकारी हो गए। वर्तमान समय में राज्य क्या हो गए, कल्याणकारी हो गए। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे काम कौन करता है, राज्य करता है। तो राज्य कल्याणकारी बन गए हैं और जनता के लिए सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकारों का कार्य बन गया है। जनता को हर चीज़ तुरंत व सही समय पर मिल सके इसकी व्यवस्था कार्यपालिका को करनी होती है और इससे कार्यपालिका का कार्य क्या हो गया है, अधिक विस्तृत हो गया है। और लिप्सन ने कहा है, एक विचारक है लिप्सन, लिप्सन ने कहा है कि राज्य के कार्यों में प्रत्येक वर्दी ने कार्यपालिका के कार्यों और शक्ति में वृद्धि की है। लिप्सन ने कहा है कि राज्य के जो कार्य है, लिप्सन कहता है कि राज्य के कार्यों में प्रत्येक वर्दी ने कार्यपालिका के कार्यों और शक्ति में क्या की है, वृद्धि की है। लिप्सन कहता है कि राज्य के कार्यों में जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है इसमें क्या की है, प्रत्येक कार्य से कार्यपालिका की शक्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये बात कौन कहता है, लिप्सन कहता है। अगला है वो है व्यवस्थापिका में साधारण योग्यता के व्यक्तियों की भरमार, व्यवस्थापिका में व्यवस्थापिका में
साधारण व्यक्तियों की व्यवस्थापिका में साधारण व्यक्तियों की भरमार है, और इसमें कहता है कि व्यवस्थापिका के सदस्य सामान्यतः प्रत्यक्ष निर्वाचन के, व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं वो सामान्यतः प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुने जाते हैं। व्यवस्थापिका के जो सदस्य है वो सामान्यतः प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है इनका, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुने जाते हैं, और अधिक योग्यता वाले व्यक्ति चुनाव के पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहते, अतः अपेक्षाकृत कम योग्यता वाले व्यक्ति और पेशेवर राजनीतिज्ञ वो बहुत बड़ी संख्या में व्यवस्थापिका में चुनकर आ जाते हैं, और ये कम योग्यता वाले व्यक्ति अपने कार्यों और आचरण से व्यवस्थापिका की गरिमा को कम करते हैं। और इस अगला है व्यवस्थापिका पर मंत्रिमंडल का हावी होना। व्यवस्थापिका पर मंत्रिमंडल का हावी होना, जिस प्रकार से हमारी जो संसद है उस पर हमारी सरकार या जो मंत्रिमंडल है वो हावी है, वो आप देख लो, तो व्यवस्थापिका पर जो मंत्रिमंडल है वो क्या हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं। और हावी होने का जो कारण है वो क्या है, देखो, व्यवस्थापिका पर मंत्रिमंडल का हावी होना, संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल का निर्माण, संसदीय व्यवस्था में मैंने पढ़ा है कि संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल का निर्माण कहाँ से होता है, व्यवस्थापिका से होता है। संसदीय जो मंत्रिमंडल होता है उसमें जो मंत्रिमंडल है उसका निर्माण किससे होता है, संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल का निर्माण व्यवस्थापिका से होता है, और कहने के लिए वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, और कहने के लिए भाई संसदीय जो मंत्रिमंडल है वो व्यवस्था के व्यवस्थापिका है, उस व्यवस्थापिका के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, किंतु व्यवहार में अपने बहुमत के बल पर तथा दलीय अनुशासन के नाम पर सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका पर क्या रहता है, हावी रहता है, क्योंकि उनके पास अगर लोकसभा में बहुमत है और दलीय अनुशासन के कारण वो क्या रहता है, व्यवस्थापिका पर क्या रहता है, भारी रहता है, करने को तो उत्तरदायी है परंतु होता क्या है, उल्टा है, किंतु व्यवहार में अपने बहुमत के बल पर तथा दलीय अनुशासन के नाम पर सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका पर हावी रहता है। वर्तमान समय में व्यवस्थापिका द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर कार्यपालिका या मंत्रिमंडल को पदच्युत करने की शक्ति का प्रयोग कमी होता है, क्योंकि अगर लोकसभा में आपके पास बहुमत है तो आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, और अविश्वास प्रस्ताव अगर लाओगे भी अगर वो पारित नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास लोकसभा में या लोकसदन में बहुमत है तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अविश्वास का प्रस्ताव पास कर कार्यपालिका मंत्रिमंडल को पदच्युत करने की शक्ति का प्रयोग कमी होता है, इसकी तुलना में मंत्रिमंडल द्वारा व्यवस्थापिका को, व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन को विघटित करने की शक्ति का अधिक उपयोग किया जाता है, और इस क्या करते हैं, पदच्युत तो वो नहीं कर पाएंगे परंतु मंत्रिमंडल क्या कर देंगे, लोकसभा को विघटित कर देंगे और दोबारा क्या कराएंगे, चुनाव कराएंगे, तो इससे जनता में गलत मैसेज आता है और वापस उनकी सरकार क्या ली जाती है, चुन ली जाती है। तो इसकी तुलना में मंत्रिपरिषद द्वारा व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन को विघटित करने की शक्ति का अधिक उपयोग किया जाता है, और इस स्थिति के कारण व्यवस्थापिका पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण स्थापित हो गया है। व्यवस्थापिका की अवनति का यह तत्व केवल संसदीय व्यवस्था में ही है। तो इन सब के अतिरिक्त भी व्यवस्थापिका है, इसके पतन के और भी अन्य कारण है। आज की परिस्थितियों में प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता होती है, और नेतृत्व प्रदान करने का कार्य कार्यपालिका के प्रधान द्वारा किया जाता है, और इसके कारण भी व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका का पतन हुआ है या कमज़ोर हुआ है, क्योंकि कार्यपालिका का जो प्रधान होता है उसकी हाथ में शक्तियाँ क्या आ जाती है, और ज़्यादा आ जाती है, और इसकी वजह से भी जो कार्यपालिका है उसकी शक्तियाँ बढ़ी है। नेतृत्व प्रदान करने का कार्य कार्यपालिका के प्रधान द्वारा किया जाता है, और व्यवस्थापिका अपनी प्रकृति और स्वरूप की दृष्टि से राज्य व्यवस्था में नेतृत्व प्रदान करने का कार्य नहीं कर सकती जितना कार्यपालिका करती है। समय समय पर आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले संकटों ने भी व्यवस्थापिका की भूमिका में पतन किया या ह्रास किया है, और कार्यपालिका की शक्तियों में क्या किए, वृद्धि का कार्य किया है। संकटकालीन स्थिति का सामना कार्यपालिका ही कर सकती है। संकटकालीन अगर देश में स्थिति आ जाए तो संकटकालीन की
जो स्थिति होती है उसका बेहतर ढंग से सामना कौन कर सकती है? कार्यपालिका ही कर सकती है। व्यवस्थापिका जो संकटकालीन स्थिति होती है इसका सामना नहीं कर सकती, तो इसी के कारण भी व्यवस्थापिकाओं का ह्रास या पतन हुआ है और कार्यपालिकाएं क्या हुई है? मजबूत हुई है। संकटकालीन स्थिति का सामना कार्यपालिका ही कर सकती है, व्यवस्थापिका नहीं। अतः प्रत्येक संकट कार्यपालिका को कुछ अतिरिक्त शक्तियां देने और व्यवस्थापिका की भूमिका को सीमित करने का कार्य करता है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की थी, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 को हटाया, राम मंदिर का निर्माण किया, तो ऐसे विभिन्न सारे काम होते हैं मंत्रिमंडल के, जिससे कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि होती है और व्यवस्थापिका के कार्य में क्या होती है? कमी होती है। इसी की वजह से संसद या विधानमंडल है वो व्यवस्थापिका कमज़ोर होती है, पतन होता है, और जो लोग ये कार्यपालिका या मंत्रिमंडल है इसमें क्या होता है? शक्तियों में वृद्धि होती है। तो आज की हमारी इस कक्षा में हमने तो व्यवस्थापिका के पतन डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर के बारे में अध्ययन किया, और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। लॉर्ड ब्राइस की बुक है मॉडर्न डेमोक्रेसी, जिस व्यवस्थापिकाओं का पतन और व्यवस्थापिकाओं का रोग निदान के बारे में लिखा है, और केसी वेयर ने भी व्यवस्थापिकाओं का पतन अपनी बुक में लिखा है और पतन के कारणों का मैं अध्ययन कर लिया। इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, आपके समझ में आ जाएगा। और हमारी जो बुक है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें व्यवस्थापिका डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर इसके बारे में अध्ययन कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।